भाभी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने साहब जी वाली बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों? देखिए भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लगा कि मुझे आपको और ज्यादा। वीरेंद्र भैया, नहीं वीरेंद्र भैया, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। किसी भी बात को छुपाने से परेशानी होती है। भाभी यही बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये बच्चे की बात सबसे क्यों छुपा रही हैं? कोई तो कारण होगा वीरेंद्र भैया, घर में सभी लोग मुझसे यही सवाल कर रहे हैं। अभी अभी अमित ने मुझसे यही सवाल किया और नाराज होकर चला गया। भाभी नाराज होने वाली तो बात ही है ना, अरे आप क्यों छुपा रही हैं सबसे बच्चे की बात? क्यों नहीं बता देती कि बच्चा कौन है और किसका है? प्लीज वीरेंद्र भैया प्लीज, मुझे मजबूर मत कीजिए। अगर इस बच्चे की हकीकत मैंने बताई तो सबको दुख होगा। देखिए भाभी, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दुख तब ज्यादा होगा जब आप इस बच्चे की हकीकत छुपाएंगी। कम से कम मुझे तो बताइए कि बच्चा कौन है और किसका है। ठीक है, जरा इसकी तरफ देखिए वीरेंद्र भैया, देखिए इसकी तरफ। देखिए भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। वीरेंद्र भैया, जरा इसकी आंखों की तरफ देखिए, इसके मासूम चेहरे की ओर देखिए। क्या आपको कोई एहसास नहीं होता? भाभी आपकी बातें मेरी समझ के बाहर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताइए ना कि ये बच्चा कौन है और किसका है? ये बच्चा तुम्हारा और मेघा का है। वीरेंद्र तुम भी ना छोटे बच्चों की तरह रोज एक बटन तोड़ कर ले आते हो। इस घर में एक बच्चा कम था जो दीदी दूसरा बच्चा ले आई, और तुम भी क्या करोगे छोटे बच्चों के साथ? वीरेंद्र क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओ, मैं समझ गई, तुम्हारी परेशानी की वजह भी वही बच्चा है ना जिसे दीदी यहाँ ले आई है। हाँ नेहा, मेरी परेशानी की वजह भी वो बच्चा ही है।
देखो ना नेहा, सुमन भाभी उस बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बता रही हैं। अमित भी इसी वजह से नाराज होकर चला गया। बात ही नाराज की है वीरेंद्र। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। दीदी को कम से कम अमित भैया को इस बारे में बता देना चाहिए था। नेहा, हो सकता है सुमन भाभी की कोई मजबूरी हो। अमित बिना बेकार। वीरेंद्र, यहाँ तुम गलत सोच रहे हो। अमित भैया ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। पत्नी की कोई भी मजबूरी पति के विश्वास से बढ़कर नहीं होती वीरेंद्र। अच्छा सोचो, सुमन दीदी के बजाय मैं कोई बच्चा इस घर में ले आती तो तुम क्या करते? मैं अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे और दीदी को छोड़। अगर हम दोनों के बजाय तुम कोई बच्चा इस घर में ले आते तो मैं किस तरह रिएक्ट करती? मैं तो उस बच्चे को फौरन इस घर से बाहर फेंक देती। इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं क्या गलत करती? हाँ, अब बोलो ना, चुप क्यों हो? देखो नेहा, अब मैं क्या कहूं? वीरेंद्र, वही कहो जो सच है। सुमन दीदी को हम सब जानते हैं, लेकिन इस केस में अगर कोई गलत है तो वो है सुमन दीदी। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली प्रांजल। अब क्या किया जा सकता है? बस इसी की कसर बाकी थी, वो हो गया। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता दूं प्रांजल, तुम इन झगड़ों में मत पड़ो, समझे? तुम सिर्फ अपना और सुरेंद्र का ध्यान रखना। इस लड़की को तो पता नहीं रोज रोज कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ओके बेटा, मैं रखती हूँ, बाय। क्या बात है उर्मिला, प्रांजल क्या कह रही थी? अपनी बेटी सुमन से खुद ही पूछ लीजिए ना। पर हुआ क्या? बात तो बहुत सीरियस है, लेकिन आपका और आपकी बहू का कोई भरोसा नहीं है ना। आप लोग चाहें तो इस बात पे मिठाई बांट सकते हैं। सुमन एक बच्चा उठा के ले आई है, और क्यों लाई है वो किसी से कुछ कह नहीं रही, बस ले आई है। अजीब और गरीब बात है। अब प्रांजल ने कहा और तुमने मान लिया, सुमन से बात किए बगैर हम सच्चाई कैसे जान सकते हैं? मुझे मालूम था आप यही कहेंगे, क्योंकि सुमन में तो कोई बुराई हो ही नहीं सकती, है ना? और शह दीजिए उसे, और शह दीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके ससुराल वाले इस बात से बहुत नाराज हैं और परेशान भी हैं। ये साहब जी वाली बात आपको कब पता चले? अब पता कभी भी चली हो सुमन, लेकिन बात गलत भी है और चिंता की भी। हम लोग इसी वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे बेटे ने तो क्या बेटा और क्या बहू, हम तो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते ना। मामी जी, क्यों बहुत चिंता है तुम्हें अमित की कि उसने गलत लोगों से पैसा ले लिया, यही पूछने आई हो ना? हमारी परेशानी से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, यही जताने आई हो ना? बड़ा ख्याल है तुम्हें हमारी परेशानियों का। मैं पूछती हूँ, अगर इतना ही ख्याल है तो हमारी परेशानियों को कम करने की बजाय बढ़ा क्यों रही हो तुम? पापा, ये पापा से नहीं मुझसे बात करो। पहले से ही इस घर में कम टेंशन है, तो तुम कहीं से भी कोई भी लावारिस बच्चा उठा कर ले आई, और जिद तो देखो, किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। ऊपर से कहती है कि इसका नाम बंटी सोमानी है। तुम्हारी मम्मी ठीक कर रही है सुमन, बात जो भी हो हम लोगों को तो बतानी ही चाहिए ना। जरा सोचो, इस जगह अगर तुम खुद होती
तो क्या तुम्हारा भी ये सवाल नहीं होता जो तुम्हारी मम्मी का है? होता पापा, जरूर होता। मम्मी जी का ये सवाल बिल्कुल जायज है और मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि ऐसी परेशानी में मैं आप लोगों को और परेशान करूं। जब इतना सब कुछ समझती हो तो बता क्यों नहीं देती? क्यों छुपाए बैठी हो इस बच्चे का राज अपने सीने में? इस बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन क्यों? समझ लीजिए, ये मेरी मजबूरी है। I'm sorry. कौन सुजाता, अपना ग्लास खत्म करो ना। नहीं बुक, बहुत हो गया। बकुल, रिया तुम यहां क्या कर रही हो? यहां क्या काम है तुम्हें? प्रिया, ड्रिंक लोगी? पता है ये सारे टेंशन दूर करता है। बोलो, लार्ज या स्मॉल? मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आई हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी। इस शराब के नशे में मैं भूल ही गई कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अब अगर याद आ गया है तो मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। हाँ हाँ बकुल, मिलवाओ। भाई देखो, ये तुम्हारा और इसका बेटा है, जो तुम लोग ठीक समझो सो करो। सुजाता, इसे रोशन से मिलाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इसे वादा भी किया था, और इसने भी तो वादा किया था कि वो अपने साथ पैसे ले आएगी। ले आई हो पैसे? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल तो मैं पैसे लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूंगी और तुम तक पहुंचा दूंगी। जाओ जाओ, जाकर रोशन को ले आओ। दाद तेरे की, सारा नशा उतार दिया। बकुल, तुमने इसे बताया नहीं कि हमारे यहाँ उधार नहीं चलता? ए प्रिया, चलो जा, जाकर पहले पैसे ले आओ, फिर जितना जी चाहे अपने बेटे से मिल लेना। चल जा। सुजाता, चिल्लाओ मत, चुप। बात हो क्या, तुम मुझे अब इस तरह टाल नहीं सकते। मैं अपने बच्चे से मिलकर रहूंगी, देखती मुझे कौन रोकता है। नहीं, प्रिया प्रिया प्रिया, छोड़, कहाँ जा रही है? रुको एक मिनट। सुजाता, जस्ट अ मिनट, लेट मी हैंडल दिस। प्रिया, पता है तुम्हें, जो लोग पैसे नहीं ले आते ना, उनके लिए रास्ता इस तरफ नहीं है, वहां। मैं देखती हूं। उस तरफ है, जाओ। मुझे कौन रोकता है? मैं तुम्हें रोकूंगा। अरे जाओ, यू कांट फाइट मी प्रिया, जस्ट गो। छोड़ो, चलो चलो।
वीरेंद्र भैया, इस बच्चे को मैंने यहां लाना जरूरी समझा, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। अपने ही खानदान के बेटे को मैं लावारिस थोड़ी ना छोड़ सकती थी। इसे मैं पालूंगी वीरेंद्र भैया, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, आप इस सच को कभी अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहते कि नेहा और आपकी जिंदगी में कभी भी तूफान उठे। लेकिन भाभी, मेघा का क्या होगा? मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही वीरेंद्र भैया। मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही वीरेंद्र भैया। मेघा अब इस दुनिया में नहीं रही वीरेंद्र भैया।